भ्रष्टाचार विरोधी मंच जो है वो लगातार कई अहम मुद्दों को लेकर के शहर के अलग अलग जगह पे जो है वो जो जन समस्या होती है उनको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंसों का आयोजन करता रहता है। इसी कड़ी में आज जो है वो इसी मंच के द्वारा जो है वो गोल्फ क्लब के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें कई हॉस्पिटलों को लेकर के जो है वो अहम खुलासे लेकर के लोग पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, किस चीज़ को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, वरुण शोकन जी बताइए। मैं बताऊंगा, हॉस्पिटलों ने भाई साहब कोरोना में क्या हाल, हमारा क्या हाल किया सबको पता है। पहले छूते रह जाते थे जो बीमार नहीं पड़ता था, लेकिन कोरोना में सभी बीमार पड़ गए, सबको पता लग गया कि करते क्या हैं, किस तरह से काम करता है इनका, पूरा एक बिजनेस हब बन चुके हैं ये। और आज जो मामला था वो तो लेके सभी हॉस्पिटलों का था लेके वैसे तो, लेकिन पर्टिकुलरली हम क्यू आर जी के बारे में बात कर रहे थे, किस तरह किसके नाम पे अलॉटमेंट होती है। हरिजन स्कूल बनाने के डेवलपमेंट सेंटर बनाने के नाम पे था मामला, फिर डेंटल कॉलेज के नाम पे, फिर रिज्यूम हो जाता है, फिर दोबारा दे दिया जाता है। अफसर एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, एक पैसा ले लेता है एक पैसा नहीं लेता, वो कहता है जी ये गलत कह रहा है, वो कह रहा है सही कर दिया जी कोई बात नहीं, और अथॉरिटी की मीटिंग में बार बार पास किया जाता है। और एक ऐसे भी ऑर्डर हैं कि एक महीने पहले तो ये कहा जाता है जी वहाँ हॉस्पिटल नहीं चल रहा, उससे अगले महीने ही क्यू आर जी हॉस्पिटल सोसाइटी है एप्लीकेशन लगाती है, मुख्यमंत्री महोदय के सामने रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि हमारा काम चल रहा है, हम 250 करोड़ रुपए उसमें लगा चुके हैं, सारे डॉक्टर 24 घंटे के लिए हमने ले रखे हैं, हमारे पास मरीज भी हैं, रिज्यूम ना किया जाए। तो इससे पता लगता है कि संलिप्तता किस तरह की थी और किस किस तरह से इसमें ऑर्डर पैसे दे के ऑर्डर करवाए गए हैं। काफ़ी टाइम से जो है ये मुद्दा चल रहा था, लेकिन जिस तरीके से कहीं ना कहीं अधिकारियों की आप कह रहे हो मिली भगत से लगातार कई सालों चलता रहा, अब आगे क्या प्लानिंग है, क्या आगे देखिए इसमें तो हम PIL लगाना चाहते हैं और इसमें CBI और ED से इसमें जांच करवाना चाहते हैं, उनकी एलिमेंट होनी चाहिए। खरीद फरोख्त हुई करोड़ों रुपये की, अरबों रुपये की खरीद फरोख्त हुई, लेकिन एक पैसे की भी स्टैम्प ड्यूटी नहीं पी गई। तो यही बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको हम आज लेके आए हैं और आपके हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से सबको पता लगे और हम चाहते हैं मुख्यमंत्री महोदय हमारे इस पे कुछ एक्शन लें। इसके अलावा भी कई और हॉस्पिटल हैं बाबा जो नियमों को ताक पर रख के काम कर रहे। जी ये सिर्फ एक हॉस्पिटल का मुद्दा नहीं है, ये सभी हॉस्पिटल्स का है। इसमें जहाँ जहाँ अनियमितताएँ हैं वो इस शहर के अधिकारी उस पर ध्यान दें। ये तो एक वो था कि जो सोसाइटी हरिजन या दलित उनको ये मिला हुआ था, ये लैंड मिली हुई थी एक NGO को मिली हुई थी उस, और वो ना बेच सकते थे ना खरीद सकते थे, उसके बावजूद भी लोगों ने एक बेस कीमती ज़मीन को पूंजीपतियों ने घुमा फिरा के भ्रष्टाचार करके उस पर कब्जा कर रखा है, मैं तो कहूँगा ज़बरदस्ती छीन ली, ना सरकार को पैसा दिया ना उनका भला हुआ जिनके लिए ये जमीन थी। तो ये तो एक तरीके से दबंग और पैसे वालों ने सरकार को भी चूना लगाया और उन गरीबों को भी चूना लगाया। कहीं ना कहीं देखिए ये भ्रष्टाचार विरोधी मंच के बैनर तले इन लोगों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इन्होंने साफ कहा कि अब इस पूरे मामले को लेकर के ये कोर्ट जाएंगे, कोर्ट के माध्यम से जो है वो जो भी फैसला होगा उस तो इनको मान्य होगा। लेकिन एक बात साफ है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पिछले काफ़ी समय से ये मामला जो दबाया जा रहा था तो उसको लेकर के हरियाणा सरकार को लगभग 400 करोड़ का जो है वो राजस्व का नुकसान हुआ है। फरदाबाद से अनिल राठी, पंजाब के सिटी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।